अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। जी फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे करेले की सब्ज़ी। ये सबसे पहले हमने बीज इसके निकाल के करेले में से उसको फ्राई कर लेना है। करेले अच्छी तरह हमने पीस में से काट लगा के धो लेने हैं। साथ धनिया काट लेना है, प्याज काट लेना है और टमाटर मिर्च जो जितनी मकदार आपने रखनी है वो रख कर काट सकते हैं। ठीक है, ये देखें आप, ये फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं क्योंकि ये जो बीज हैं वो जज़ब कर रहे हैं ऑयल को। बस ध्यान रखना होता है कि हमारा नीचे ना लगे, ये बहुत जल्द नीचे भी लग जाता है। तो अब हम मसाला वगैरह इसको कूट के रख लेंगे। अब हमने प्याज ऐड कर दी है, प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करेंगे। जैसे हमारे बीज ब्राउन हो गए थे वैसे थोड़े ब्राउनिश करके तो फिर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। इसको जितना भुने उतना ही टेस्टी और क्रिस्पी इसका मसाला बनता है। ठीक है, ये देखें अब प्याज भी लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया हमारा। अब हम थोड़ी देर तक इसमें टमाटर मिर्च ऐड कर देंगे। टमाटर मिर्च ऐड करने के बाद हम इसको फिर अच्छी तरह भूनेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि टमाटर जो है ना आपके छोटे, अगर काटे छोटा साइज़ होना चाहिए टमाटरों का। इसमें अब लाल मिर्ची ऐड कर दें जो दादड़ी होती हैं, साथ मेथी दाना ऐड कर दें, मेथी थोड़ी सी ऐड कर देंगे। ठीक हो गया, थोड़ा सा इसमें आपने नमक ऐड कर देना, थोड़ी सी चुटकी की हल्दी ऐड कर देनी है। हल्दी इसलिए कि कलर अच्छा आ जाता है, फिर ऐसे ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए कितना प्यारा कलर आया, बीच में धनिया ऐड कर दिया, हमारा मसाला रेडी हो गया। हमने करेले भर लिए और अब हमने पैन ऊपर रख दिए कढ़ाई में। तो अब जब फाइनल लुक तैयार होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह क्रिस्पी क्रिस्पी हमारे फाइनल लुक तैयार है करेलों की। ओके फ्रेंड्स, आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।